मैंने पहले भी कहा है कि ये एक हार्डकोर रियलिस्टिक फिल्म है और ऐसे बहुत से केसेस आज जो हमारे देश में हुए हैं जिनके बारे में आपने शायद पढ़ा हो, ऐसे बहुत से केसेस जो मीडिया ने नहीं उछाला हो, जो हम नहीं जानते, जिनके बारे में हमने रिसर्च किया है, वो भी आपको इसमें नज़र आएगा। बहुत से केसेस उठाकर हमने एक एक फिल्म बनाई। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में व्हाट मैटर्स कि आपकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाए। आई थिंक जहाँ तक क्रिटिक्स का सवाल है, आई थिंक ऑफकोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फिगर आउट कि जब बिकॉज यू नो दे एक्सपीरियंस दे वॉच सो मेनी फिल्म्स, एट द एंड ऑफ द डे उनका एक ओपिनियन है, उनका अपना सोलो ओपिनियन है, विच आई रिस्पेक्ट एंड विच आई टेक अंडर कंसिडरेशन। अगर मुझे लगता है कि एक इंसान ने सही लिखा है मेरे बारे में कि मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ, तो मैं उस पॉइंट को हमेशा लेता हूँ। वो क्रिटिक्स मेरे जिंदगी में डेफिनेटली मायने रखते हैं। सर, फैक्ट ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में आज फिल्म को पब्लिसिटी देने के लिए आई थिंक लोग किसी हद तक जा सकते हैं, और ये 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 पब्लिसिटी देने के लिए किसने किया है और किसने न्यूज़ डाली है, आई थिंक ये इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। जहाँ तक कंगना का सवाल है, कंगना मेरे सेट पे बिल्कुल नहीं आई थी, उनसे मैं 3 साल से नहीं मिला हूँ, और शी इज़ बिजी इन हर ओन स्पेस, आई एम बिजी इन माई ओन स्पेस। आई वॉज वेरी अपसेट जब मैंने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा परसों, बिकॉज बहुत ही गलत बात है कि आप ऐसी झूठी कहानी जो है अपने फिल्म के प्रमोट करने के लिए करें, और किसने किया है मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तो इस चीज़ में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, और आई अपोलोजाइज अगर कोई हर्ट हुआ है इससे, तो आई एम रियली सॉरी, बट इसमें बिल्कुल बिल्कुल सच।